नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रूनिंग के बारे में। दोस्तों मैं तीन पॉइंट में प्रूनिंग को डिवाइड कर सकता हूं और उसके बारे में मैं आप लोगों को आज समझाऊंगा। पहला कि प्रूनिंग हमें करना क्यों ज़रूरी है, प्रूनिंग हमें कब करनी चाहिए और प्रूनिंग कैसे करनी चाहिए, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए कि हमारे पौधे पर कोई उसका बैड इफ़ेक्ट ना पड़े। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आखिर तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं प्रूनिंग को लेके और अक्सर प्रूनिंग करने में लोगों के द्वारा जो असावधानियां बरती जाती हैं उसकी वजह से पौधे शॉक में आ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा, मैं हर चीज़ कवर करूँगा इसमें जितनी मेरी जानकारी है, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है गार्डनिंग में। तो अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों पहले भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से कि प्रूनिंग क्यों करनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको दिखाऊँ, जैसे ये मेरा बोगनविलिया का प्लांट है, आप देख पा रहे हैं इसमें ढेर सारे फ्लावर्स आ रहे हैं और इसकी रीज़न यही है कि हमने इसे सही समय पर प्रूनिंग की थी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बोगनविलिया ऐसा पौधा है जिसपे जो नई शूट्स निकलती हैं, नए ब्रांचेज आते हैं, नई ग्रोथ होती है, फ्लावर्स उन्हीं पे आते हैं, पुराने पे नहीं रहते। तो आप देख सकते हैं जितनी भी नई ग्रोथ है सब पे आपको फ्लावर्स भर भर के मिलेंगे। तो पहली चीज़ तो ये होती है कि प्रूनिंग करने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि हमें ढेर सारे फ्लावर्स या फ्रूटिंग लेनी है। दूसरी की जो पौधे की अनवांटेड ग्रोथ होती है, जैसे मैं आपको दिखाऊँ मेरे इस पौधे में एक स्टेम देखिए आप, ये इधर की तरफ भाग रही है, तो इसमें थोड़ी लालच है मुझे क्योंकि फूल अच्छे लग रहे हैं इसलिए मैंने इसे प्रून नहीं किया, वरना मैं इसे भी यहाँ से काट दूंगा, प्रून कर दूंगा तो पौधा जो है इस तरह से गोल हो जाएगा, बूसी हो जाएगा। दूसरा पौधा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मेरा, ये भी बोगनविलिया का ही है और इसको मैंने चारों तरफ से प्रून कर दिया, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए प्रूनिंग हिस्सा। तो इसमें भी चारों तरफ से आप देखिए पौधा छोटा है और चारों तरफ से फ्लावर्स इसमें खिल के आ रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊं, ये देखिए गुलाब का पौधा है और इसकी ग्रोथ देखिए काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। अब इसमें प्रूनिंग की आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा होगी क्योंकि जब ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैवी निकलती हैं तो जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, मिट्टी कम होती है, ये रूट्स ज़्यादा वो उसको संभाल नहीं पाती, इनकी जो आपूर्ति पूरी डिमांड है भोजन की वो पूरी नहीं हो पाती है, तो इसे हमें प्रून करना बहुत ही आवश्यक है। अब देखिए फ्लावर साइज बहुत बड़ा हो गया है, ब्रांच ये तो इसमें फ्लावर साइज काफ़ी छोटी हो गई है, तो हम इसे प्रून करेंगे और फिर इसकी कटिंग को हम लगा लेंगे। तो ये दो तीन रीज़न है जिसकी वजह से प्रूनिंग करना आवश्यक है। इसके अलावा मैं और आपको बताऊं प्रूनिंग करना क्यों आवश्यक है, तो मैं आपको दिखाता हूं, जैसे वेजिटेबल प्लांट्स हैं तो उनमें भी प्रूनिंग करना आवश्यक हो जाता है। जैसे ये देखिए, ये मेरा बैंगन का पौधा है, पुराना पौधा है, पिछले साल का लगा हुआ था, एक बार इसमें फ्रूटिंग आ चुकी थी तो अब पौधे की ग्रोथ रुक सी गई थी तो हमने इसे प्रून कर दिया, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें प्रूनिंग करने के बाद आप देखिए पूरा पौधा हरा भरा हो गया है। तो अगर आपके पौधे में फल नहीं आ रहे हैं, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये भी एक रीज़न होता है प्रूनिंग करने का। तो ऐसी सिचुएशन में भी आप प्रूनिंग कर सकते हैं। फ्लावर प्लांट्स हैं, फूल छोटे होने लगे काफ़ी मात्रा में, आपने सारे फर्टिलाइजर दे के देख लिया, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो आप उसकी प्रूनिंग कर दीजिए, सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए, पौधे में नई ग्रोथ आएगी, नई ग्रोथ के साथ फ्लावर साइज ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाएगी। फिर देखिए ये मिर्च का पौधा है, इसमें भी प्रूनिंग कर सकते हैं, जब ब्रांचेज इसमें निकलती हैं तो पौधा सीधा लंबा भागता है, तो उससे बचाने के लिए हम इसमें प्रून करते हैं ताकि पौधा गोल हो। आप देख सकते हैं इसमें इसकी पुरानी एक वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं ढेर सारी मिर्च इसमें हमें हार्वेस्ट करने को मिली और अभी फिर से नई फ्लावर्स आ गए हैं, मिर्च बननी शुरू हो गई है दोबारा से। तो इस पौधे को हमने प्रून कर लिया है, तो प्रून करने की वजह से आप देख सकते हैं पौधे का साइज छोटे पे ही कितना घना हो गया है और इसमें ढेर सारी मिर्चियां हमें तोड़ने को मिलती हैं। तो ढेर सारे फ्लावर्स या फ्रूट्स लेने के लिए भी हमें प्रूनिंग करना आवश्यक है गमलों में। तो ये कुछ रीजन्स हैं दोस्तों। फ्रूट प्लांट्स में भी अगर हम बात करें तो फ्रूट प्लांट्स के लिए देखिए, जब एक बार पौधे में फ्रूटिंग आ जाती है, जैसे ये अमरूद का पौधा है, ये 18x18 इंच की ग्रो बैग में लगा हुआ है, उसमें देखिए ढेर सारी फ्रूटिंग निकल के आई है, तो इसमें भी हम प्रून करेंगे, जब ये फ्रूट हम हार्वेस्ट कर लेंगे तो देखिए हम इसमें प्रून करेंगे तो इसमें नई ब्रांचेज आएंगी, जो नई ब्रांचेज आएंगी उसमें ढेर सारे फ्लावर्स बनेंगे, फिर उसमें फ्रूट्स आएंगे, क्योंकि गमले में हम कर रहे हैं, पौधा अगर सीधा भागता गया तो ऊपर की तरफ तो निकल जाएगा पर एक ही ब्रांच होगा और उसमें जब तक नई शूट्स नहीं निकलेंगी तो फ्रूट नहीं बनेंगे। तो ये रीजन्स होते हैं कि आपको प्रून करना है। अब इसके अलावा कुछ पेस्ट अटैक होते हैं, कोई बीमारी लग गई, फंगस लग गया पौधे में आपके, तो आपके पेस्टिसाइड
यूज करने के बाद भी अगर वो फंगस बीमारी नहीं जा रही है तो भी आपको उस ब्रांच को, उस लीफ को प्रून करना पड़ता है उस बीमारी से पौधे को बचाने के लिए। तो ये दोस्तों कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें प्रूनिंग करनी पड़ती है। अब बात आती है कि प्रूनिंग हमें कब करनी चाहिए। तो प्रूनिंग करने का कोई थंब रूल नहीं है कि हमें इसी समय प्रूनिंग करनी चाहिए। देखिए जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है जो ऑटम सीजन होता है, फरवरी लास्ट का। आप फरवरी में या फरवरी लास्ट तक प्रून कर लीजिए तो उसके बाद पौधों की ग्रोथ का सीजन होता है, वो बहुत तेज़ी से पौधे ग्रोथ करते हैं, तो उस टाइम पे हार्ड प्रूनिंग कीजिए। या फिर जो रेनी सीजन होता है, बरसात के मौसम में आप प्रूनिंग करते हैं तो हार्ड प्रूनिंग तब की जा सकती है, क्योंकि उसमें पौधों में नई ग्रोथ आती है मौसम के हिसाब से। मौसम ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ आती है, तो हार्ड प्रूनिंग में सक्सेस होते हैं सभी। लेकिन सॉफ्ट प्रूनिंग, पिंचिंग आप किसी भी समय कर सकते हैं। जैसे अभी इस समय मई जून की गर्मियां चल रही हैं, इसमें भी आप सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं, बस पौधों में वाटरिंग का खास ख्याल रखते हुए। तो जिस पौधे में आपकी बीमारी या फूल नहीं आ रहे हैं, छोटे बन रहे हैं, उनको किसी भी टाइम पे आप प्रून कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि ये गुलाब का पौधा है, इसे मैं आज ही प्रून करूंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीधा लंबा भागता जा रहा है और मुझे इसे बूसी बनाना है, तो इसकी प्रूनिंग आज की जाएगी। तो आप किसी भी समय किसी भी पौधे की प्रूनिंग कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि जो फ्रूटिंग प्लांट्स हैं उनमें जब आपके फ्रूट्स बन रहे होते हैं, जैसे ये देखिए अमरूद का पौधा है, ढेर सारे अमरूद लगे हुए हैं, जब ये अमरूद मैच्योर हो जाएंगे हम इन्हें हार्वेस्ट कर लेंगे, फिर इसकी जितनी भी ब्रांचेज हैं हम इसकी प्रूनिंग कर देंगे ताकि इसमें नई ग्रोथ निकल के आए, और नई ग्रोथ जितनी भी आएगी उसमें सब में नए फूल बनेंगे और फिर नए फल हमें उसमें मिलेंगे। तो ये एक प्रूनिंग का टाइम होता है कि कब आप प्रूनिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे कि प्रूनिंग करते समय हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो देखिए जो कटर आप यूज करते हैं प्रूनिंग के लिए, तो फंगस तो जब आप पौधों को काटते हैं ब्रांचेस को, जैसे ये ब्रांच अगर हमने यहाँ से कट किया तो यहाँ से फंगस जाने का काफ़ी ज़्यादा डर रहता है पौधों में। तो जब आपका ब्लेड है, कटर है, अगर ये फंगस किसी भी रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में जा सकता है, तो पहले हमें इसे स्टेरिलाइज करना होता है। स्टेरिलाइज करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं, अल्कोहल यूज कर सकते हैं, या फिर आप फंगिसाइड पाउडर यूज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आप इस प्रकार हल्दी पाउडर यूज कर सकते हैं, ये भी एक फंगिसाइड का काम करता है। ये भी नहीं है आपके पास तो आप राख का यूज कर सकते हैं, और इसको करना कुछ नहीं है आपको, मैं दिखाऊँ आपको, एक चुटकी भर हल्दी पाउडर या राख लेना है और इसकी जो ब्लेड है, शार्प है, उनमें हमें इस प्रकार से देखिए रगड़ लेना है। ये तब के लिए दोस्तों जब आपको कुछ भी अवेलेबल नहीं मिल रहा है। हालांकि मेरे पास फंगिसाइड पाउडर भी है, सैनिटाइजर भी है, सब कुछ है, पर मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ये चीज़ दिखा रहा हूँ। तो प्रून करने से पहले इस प्रकार आपको जो ब्लेड है, जिस कटर की मदद से आप प्रूनिंग करेंगे, उसे सॉफ्ट कर लीजिए। और जो हिस्सा आप प्रून करते हैं, चलिए हम अपने गुलाब की प्रूनिंग कर लेते हैं। देखिए हम इसे प्रून करेंगे, यहाँ से जो नोड आई है हमने ऑलरेडी इसे प्रून किया हुआ था पहले भी, तो देखिए यहाँ से नई नोड निकल के गई है और एक इधर से ब्रांच गई, हमने इसे यहाँ से प्रून कर देंगे। जो कट हमने लगाया ये देखिए प्रूनिंग हो गई, और ये जो ब्रांच जा रही इसे भी हम प्रून कर देंगे। तो जो भी आप यूज कीजिए शार्प होना चाहिए ब्लेड ताकि एक बार में प्रूनिंग हो जाए। और ये भी देखिए ये भी सीधा, इसकी ग्रोथ सीधी जा रही है, इसे भी हम यहाँ से प्रून कर देंगे। तो इस प्रकार से जब हमने प्रूनिंग कर दी है, अब इसमें जितनी भी ये नोड्स हैं, देखिए यहाँ यहाँ से शूट्स निकलती हैं, देखिए कुछ निकल भी रही हैं, मैं आपको दिखाऊं अगर कैमरे में दिखाई दे रहा हो तो, ये देखिए ये नई शूट्स निकल के आ रही हैं। तो अब हमने प्रूनिंग कर दी, जो पौधे की एनर्जी सीधी उस ब्रांच में जा रही थी वो अब नई शूट्स को निकालने में होगा, इससे हमारा पौधा घना होगा। और प्रूनिंग दोस्तों देखिए जो ये गुलाब है, तो यहाँ से ये ग्राफ्टेड है, यहाँ से जितनी भी ब्रांचेस निकलती हैं वो तो ठीक है, अगर नीचे से शूट्स निकल रही हैं तो आप उन्हें हटा दीजिए, प्रून कर दीजिए, क्योंकि उसमें फ्लावर्स बिल्कुल नहीं आते हैं और वो पौधे की एनर्जी को वेस्ट करता है। अब दोस्तों मैं एक चीज़ और दिखा दूँ आपको कि ये जो प्रून एरिया है, ये हमने प्रूनिंग कर रखी है, इस पर हमें फंगिसाइड पाउडर या हल्दी पाउडर यूज करना है, क्योंकि यहीं से पौधा हमारा पेस्ट अटैक में, फंगस अटैक में आता है, तो इसमें हमें हल्दी पाउडर यूज कर लेना चाहिए। आप थोड़ा सा पानी में भिगा के भी हल्दी पाउडर को यूज कर सकते हैं, अन्यथा सूखी हल्दी पाउडर को लेके ये जो दिख रहा है आपको एरिया, यहाँ पे हमें लगा देना है, जितनी भी प्रूनिंग एरिया है सभी जगहों पे। इससे क्या होगा कि यहाँ से किसी भी फंगस का अटैक
नहीं होएगा हमारे पौधे में। तो इस प्रकार दोस्तों हमें प्रूनिंग करनी है, और प्रूनिंग जो लीव्स हमारी डैमेज हो रही होती हैं, खराब हो रही होती हैं, उनकी भी हम प्रूनिंग कर सकते हैं, तो उन्हें भी प्रून किया जा सकता है। तो प्रूनिंग, और एक चीज और मैं बता दूं, पिंचिंग क्या होता है। जैसे छोटे पौधे हैं, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये मेरा सदाबहार विंका का पौधा है, तो इसमें पिंचिंग की जा सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा पौधा नहीं है, तो इसमें प्रून करेंगे तो पौधा काफ़ी छोटा हो जाता है बार बार। तो जो इसमें नई शूट्स होती हैं, नई ग्रोथ होती हैं, देखिए इधर मैंने इसमें पिंचिंग कर रखी है, और पौधा आप देख सकते हैं पूरा गोल हो रखा है, और कितने सारे फूल इसमें बन के आ रहे हैं, और लगातार ये 2 महीने से फ्लावरिंग पे है पौधा। तो इसमें पिंचिंग क्या होती है कि जो ऊपर की टिप होती है ना दोस्तों, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये ऊपर की जो टिप होती है, इन्हें हमें हाथों की मदद से तोड़ देते हैं, तो उसे पिंचिंग कहा जाता है। ये भी प्रूनिंग का ही एक हिस्सा है। इससे क्या होता है कि जो ग्रोथ यहाँ आ रही है ये रुक गएगी, और साइड साइड से जो नई ब्रांचेस निकलेंगी तो पौधा ज़्यादा गोल और शेप में आएगा, घना होगा। तो फ्लावर प्लांट्स में जब हम उसकी टिप को हटाते हैं, उसे पिंचिंग कहा जाता है, और प्रूनिंग का ही एक हिस्सा होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर प्रूनिंग की जाए सही तरीके से, तो पौधा घना होगा, बूसी होगा, और उसमें ढेर सारे फ्लावरिंग प्लांट है तो फ्लावर, वेजिटेबल प्लांट है तो वेजिटेबल्स, और फ्रूटिंग प्लांट है तो फ्रूट प्रोड्यूस होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप भी प्रूनिंग कर सकते हैं कुछ सावधानियां बरतते हुए, और अपने गार्डन को अच्छा लुक दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई सुझाव हो, सवाल हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।